हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 65 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है उसकी खरीद अभी तक हुई है। 65 लाख मैट्रिक टन का मतलब 13 करोड़ के आसपास की खरीद जो है वो करी गई। सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को खुद माना कि अब तक गेहूं के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि अकाउंट में जो है पूल अकाउंट के माध्यम से जो है आढ़तियों के खाते में पहुंचा दी गई है और आज शाम तक 3900 करोड़ रुपए और डाल दिए जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब अभी तक आढ़तियों का पैसा नहीं गया तो किसानों को कैसे मिलेगा? सरकार कह रही है कि हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं। अगर 14 करोड़ में सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए की पेमेंट की करी है, वो भी किसानों को नहीं आढ़तियों को हुई है, तो किसान को उसकी मेहनत का पैसा कब मिलेगा? 3-4 सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 6 महीने की खून पसाई की कमाई के बाद जो है किसान को जो था वो इंतज़ार था अपने पैसे का, उसकी जेब में जब पैसा नहीं है तो वो अगली फसल की बुआई किस तरह से करेगा? डीजल, खाद, बीज समेत किसान को अगली फसल के लिए पैसा चाहिए, वो अभी तक उसको नहीं मिला। कोई ये साहूकार तो है नहीं कि इसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। समय पर किसान बिजाई नहीं अगर करेगा तो अगली फसल में पैदावार कम होगी, उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी ये भी सरकार बताए। और जो है ये सरकार बताए कि कई ऐसी जगहें हैं, कल भी मैंने टीवी के ऊपर कहा है, हमारे इलाके के अंदर तो शाम में खासतौर से मंसरवास जैसी जगहों पे गांवों के अंदर जहां पर अभी तक सरसों की खरीद तक नहीं करी गई है। तो आप बात छोड़िए, आप तो खरीद ही नहीं हो रही है जब पूरी, तो आप भुगतान तो जो है जैसे कर रहे हैं वो सबको मालूम ही है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो गठबंधन सरकार है ये किसानों को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है क्या?